कभी मुख्तार अंसारी के खास रहे गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद बादा जेल में माफिया मुख्तार अंसारी की बेचैनी बढ़ गई है। इस बीच मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद बादा जेल प्रशासन अलर्ट हो गया है। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही जेल में हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। लेकिन मुख्तार अंसारी बेचैन नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा मंडल के कारागार में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां लगातार एक तरफ एक के बाद एक उसके गुर्गों का सफाया हो रहा है, तो दूसरी तरफ उसके ऊपर लंबे समय से चल रहे तमाम आपराधिक मामलों के फैसले आने शुरू हो गए हैं, जिसमें उसे सजा हो रही है। इस वजह से मुख्तार अंसारी काफ़ी परेशान है। जेल से जुड़े सूत्रों की माने तो जेल के अंदर उसे नींद नहीं आ रही है, वो बेचैन है। वहीं सरेआम कोर्ट में मुख्तार अंसारी के गुर्गे संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या के बाद बांदा जेल की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ कोर्ट में संजीव जीवा की हत्या के बाद बांदा जेल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस समय बांदा की हाई सिक्योरिटी जेल को हाई अलर्ट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक जेल में अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस समय बांदा में एक प्लाटून PSC सहित लगभग 150 सुरक्षाकर्मी सुरक्षा में तैनात हैं। इसके अलावा लगभग आधा सैकड़ा CCTV कैमरे से भी जेल के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं जेल में आने जाने वालों और मुलाकात करने वालों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कड़ी तलाशी के बाद जेल के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर पा रहा है। जेल आने जाने वाले हर व्यक्ति को त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे से गुजरना पड़ रहा है। जेल के पहले द्वार से लेकर मुख्य द्वार तथा तीन गेटों में सघन तलाशी का काम चल रहा है और इस तलाशी के बाद ही कोई शख्स अंदर जा सकता है। इसके साथ ही पूरे जेल परिसर में लगभग 50 CCTV कैमरे से हर समय निगरानी की जा रही है। वहीं माफिया मुख्तार अंसारी की बैरक के बाहर हर समय बॉडी कैम से लैस 3 सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं। तो बेचैन है मुख्तार अंसारी, एक एक करके हो रहा है उसके गिरोह का सफाया, साथ ही उसे लग रही है डर भी, और इस डर के बीच उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है और जेल प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किए हुए है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।